वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ सैल्यूट फुटबॉल। फीफा वर्ल्ड कप के लिए पोर्टुगल की स्क्वाड लाइनअप आ चुकी है और एज एक्सपेक्टेड उसके अंदर रोनाल्डो भी है। रोनाल्डो फिफ्थ टाइम यहाँ पे वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और उम्मीद है कि इस साल पोर्टुगल अपनी तरफ से बहुत अच्छा करेगी। रोनाल्डो फैंस की यही उम्मीद है कि रोनाल्डो बहुत ज्यादा गोल मारे, हर मैच में गोल मारे, लेकिन हाँ भाई गोल मारे बढ़िया बढ़िया काम हो जाएगा। लेकिन अभी जो यह है कि वर्ल्ड कप से पहले 9 दिन बचे वर्ल्ड कप के अंदर, उससे पहले यूनाइटेड का मैच है, उसमें रोनाल्डो खेलेगा कि नहीं खेलेगा उसके ऊपर कुछ सवाल जवाब है। लेकिन भाई अभी पिछले मैच के अंदर एस्टन विला के खिलाफ रोनाल्डो नहीं खेला था और उसका कारण यह दिया गया था उसकी तबीयत खराब है। लेकिन अब तबीयत खराब है कि नहीं है, अगले मैच में वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा, लेकिन देखा जाए तो उनका ना खेलना बेटर होगा पोर्टुगल के लिए और रोनाल्डो खुद के लिए। क्यों भाई, हम देख रहे हैं अलग अलग प्लेयर जो है मैच से पहले वर्ल्ड कप से पहले वो इंजर्ड होने के कारण अपनी वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं और अभी यहाँ पे सिर्फ मैनचेस्टर का एक ही मैच बचा है। रोनाल्डो ना ही खेले तो ज्यादा बढ़िया है भाई, वर्ल्ड कप जाना है बढ़िया खेलना है, उससे पहले नहीं जाते कि कोई से भी चांसेस की वजह से इंजर्ड हो जाए प्लेयर। तो रोनाल्डो ठीक है, तबीयत खराब है, वर्ल्ड कप तक सही हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इंजर्ड नहीं होना चाहिए। तो टैक्टिकली तो उसे उन्हें रोनाल्डो को ना खिलाए तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन अगर वो अगले मैच के अंदर खेलता है तो भाई 90 मिनट तो नहीं खेलेगा। क्यों नहीं खेलेगा कि भाई ठीक है इस मैच में तो भाई तबीयत खराब थी नहीं खिलाया, लेकिन साथ ही साथ ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी कही थी कि मार्शियल टीम के अंदर वापस आ चुका है, एंटनी एलंगा भी आ चुका है और साथ ही साथ यहाँ पे हमको रैशफोर्ड भी दिख रहा है। तो जब टीम की स्टार्टिंग लाइनअप के अंदर फॉरवर्ड जो है वो कौन है जो कि एरिक टेन हैग चाहता है उसकी टीम में हो, तो अब वो जब फिट है तो भाई वो रोनाल्डो को नहीं खिलाएगा। खिलाएगा तो वही जो पहले वाली दिक्कत हुई थी कि 70 मिनट में आ रहा है 75 मिनट में आ रहा है, वही चीज रहेगी। तो अब इस मैच के अंदर जो अगला मैच संडे को है उसमें रोनाल्डो जहां तक नहीं खेलेगा, खेलता है तो भाई मुश्किल ही कोई 70 या 80 मिनट में आया तो बात अलग है। अब यहां पे बात आ जाती है यूरोपा लीग की कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का बार्सिलोना के खिलाफ मैच होना तय हो चुका है और भाई इतने टाइम बाद रोनाल्डो वर्सेस लेवेंडोस्की देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्यों, क्योंकि भाई जनवरी विंडो के अंदर रोनाल्डो जहां तक है मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ के जाएगा, ये बहुत पहले से बात चलती आ रही है कि जिस हिसाब से रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर फिट नहीं हो रहा है ये बात है। अब ये बात कहां तक जाएगी, रोनाल्डो वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्मेंस देगा, जनवरी के अंदर कितनी टीम उसको अप्रोच करेगी, अप्रोच कौन सी टीम करेगी, क्या वो प्रीमियर लीग दोबारा खेलेगा, मैनचेस्टर के लिए खेलेगा या किसी और टीम के लिए खेलेगा, वो देखने लायक होगा। और क्या हमें मैनचेस्टर की जर्सी के अंदर रोनाल्डो वर्सेस लेवेंडोव्स्की देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कि ट्रांसफर विंडो के अंदर क्या है और वर्ल्ड कप के अंदर पोर्टुगल जीतती है कि नहीं जीतती, रोनाल्डो कितने गोल मारेगा आपके हिसाब से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ऐसे आगे सैल्यूट फुटबॉल के एपिसोड्स आते रहेंगे। थैंक यू।